कि हम लोग जो है अफ्तारी कैसे करते हैं। बख्तियार साहब मुंह छुपाते हुए चुपके मारते हुए बालों को सेट कर बहुत लेवल का जो है ना इन लोगों ने सिस्टम वगैरह किया होता है। यार ये क्या पतंगे उड़ा रहे हैं यार, इनको क्या पता कैसे पतंगे उड़ाई जाती है। अस्सलाम वालेकुम भाई लोग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। तो आज है 22 मार्च, जुमे का दिन है और 2024 ना। तो आज जो है हम लोग आपको, मैं इस व्लॉग में आपको दिखाऊंगा कि हम लोग जो है अफ्तारी कैसे करते हैं। मींस के हम जो यहाँ पर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं, हम लोगों की जो यहाँ पर अफ्तारी है वो कैसे होती है, हम लोग कैसे मैनेज वगैरह करते हैं। इस वक्त हम लोग हॉस्टल से बाहर जा रहे हैं मस्जिद में, ठीक है। तो वहाँ मस्जिद में जो है उधर अफ्तारी का सही एहतमाम वगैरह होता है, मींस के बर्गर वगैरह, क्योंकि यहाँ पर ये लोग फास्ट फूड बहुत ज़्यादा खाते हैं, तो वहाँ पर हमारा जो है ना सही मैनेज हो जाता है। लेकिन आज हमारा जो इरादा है, हमारा इरादा ये है कि हम लोग वहाँ से अफ्तारी करने के बाद हम लोग आगे मज़ीद एक रेस्टोरेंट पर जाएँगे, ठीक है। हम लोगों को जो पार्टी दे रहे हैं वो दे रहे हैं बख्तियार साहब, मस्जिद पहुँच कर ही आप लोगों को मस्जिद में दिखाता हूँ कि वहाँ पर कैसा माहौल है, मस्जिद कैसी है। मैं इंशाल्लाह मस्जिद पर भी ब्लॉग बनाऊँगा। ऑलरेडी मैंने जो है ना ताशकंद टूर पर डे टाइम का भी बना चुका हूँ, अपलोड कर चुका हूँ, और नाइट टाइम का भी अपलोड कर चुका हूँ। आप लोग मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं, ठीक है। इंशाल्लाह मैं आपको बता रहा था कि जो मस्जिद का व्लॉग है वो भी इंशाल्लाह, मस्जिद मीन्स के ताशकंद में जो मॉस्क, जहाँ पर मैं जितनी मस्जिदों पर जा चुका हूँ, यहाँ पर माशाल्लाह उन्होंने बहुत क्वांटिटी, यहाँ पर मस्जिद जो मसाजिद हैं उनकी कम है, मॉस्क की जो क्वांटिटी है वो कम है, लेकिन जितनी है वो बहुत बहुत माशाल्लाह बहुत प्यारी। हर मस्जिद प्यारी होती है बेशक, नो डाउट, लेकिन एक होता है ना कि भाई इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह, बिल्डिंग वगैरह बहुत लेवल का जो है ना इन लोगों ने सिस्टम वगैरह किया होता है। यार ये क्या पतंगे उड़ा रहे हैं यार, इनको क्या पता कैसे पतंगे उड़ाई जाती हैं। हाँ जी भाई साहब, तो अब हम लोग मस्जिद पहुंच चुके हैं, ठीक है। अजान हो चुकी थी ऑलरेडी और हम थोड़ा सा लेट हो गए थे। ये अंकल जो है ना खजूर और पानी वगैरह डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, वो सामने दस्तरखान बिछा हुआ है, लोग बैठे हुए हैं। ये मेन एंट्रेंस है मस्जिद की, ठीक है। और अभी हम लोग खजूर और पानी वगैरह पियेंगे और फिर उसके बाद दोबारा अजान होगी और हम लोग नमाज पढ़ेंगे। ये अब हम लोग यहाँ पर नमाज पढ़ने के लिए जमा हो गए हैं, ठीक है। ये जो मस्जिद है ये हमारे हॉस्टल के बिल्कुल करीब है, वॉकिंग डिस्टेंस पर 2 से 3 मिनट में हम लोग मस्जिद पहुँच जाते हैं। यहाँ पर अफ्तार भी बांग्लादेशी भी आते हैं, इंडियंस, पाकिस्तानी, बांग्लादेश के 3 कंट्रीज़ के ज़्यादातर लोग होते हैं, ठीक है। अब नमाज पढ़ने के बाद ये आ गया हमारा खाना। मुख्तलिफ हर रोज़ अफ्तारी में मुख्तलिफ होता है, जैसे आज है फ्राइज, और फ्राइज के साथ साथ अब हम लोगों को और क्या मिला है, ये है जी बर्गर, ठीक है। तो आज हमारे अफ्तारी में फ्राइज और बर्गर है। पाकिस्तानी और इंडियन स्टूडेंट्स हैं मोस्टली जो यहाँ पर हॉस्टल में रहते हैं, वहाँ पर जो मुस्लिम बॉयज़ स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पर आलमोस्ट मोस्टली जो है सिवाय एक दो के, बाकी सब इधर ही आते हैं, इधर आकर ही अपनी जो अफ्तारी वगैरह वो करते हैं। अफ्तारी में अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन सिस्टम था। तो हम लोग अब जा रहे हैं रेस्टोरेंट पर। हम लोग रेस्टोरेंट पहुँच चुके हैं और रेस्टोरेंट का नेम है मीरा मंदी, ठीक है। यहाँ पर आप देख लें मंदी, जो ये अरेबिक फूड है, मुझे तो पहले इस रेसिपी का नेम नहीं पता था, लेकिन जब मैंने मेरे सामने आई तब मुझे पता लगा कि अच्छा यार ये है, ये तो मतलब पाकिस्तान में हम लोग खाते रहते, लेकिन वहाँ पर नेम डिफरेंट है। यहाँ पर जो ये नेम है ये इनकी रेसिपी से जो है ना वो बिलोंग करता है। बाकी जो रेस्टोरेंट है ये खलकरार मेट्रो स्टेशन और नवजा मेट्रो स्टेशन के बिल्कुल करीब है, ठीक है। और ये जो रेस्टोरेंट है ये फुल ट्रेडिशनल, मतलब कि जो है ना उस हिसाब से बनाया गया है, मीन्स के यहाँ पर जो है ना ट्रेडिशनल फूड आपको बहुत ज़्यादा मिल जाएगी। अरेबिक फूड जो है ना वो इनके पास रेसिपीज़ काफ़ी सारी जो है ना इनके पास क्वालिटीज़ हैं खाने वगैरह की। और इस रेस्टोरेंट में है आप लोगों को बारबेक्यू, चिकन मंदी, एजी फलाफेल, चेफ मंदी, अरेबिक ब्रेड, बिरयानी मंदी,
तुर्किश टी हो गई, उसके अलावा बारबेक्यू चिकन बिरयानी हो गई, लैम कढ़ाई हो गई, समसा हो गया जो पाकिस्तान और इंडिया में चलता है, मतलब कि आपको मतलब आप यहाँ पर नॉर्मली जो है वो पाकिस्तान और इंडिया में जो समोसा वगैरह चलता है वो यहाँ पर आपको बहुत मुश्किल है कि मिले, लेकिन इस रेस्टोरेंट पे आपको ये जो है पाकिस्तानी और इंडियन जो है समोसा वो भी यहाँ पर अवेलेबल है। उसके अलावा यहाँ पर मटन मंडी हो गई, उसके अलावा चिकन बिरयानी हो गई, चिकन कढ़ाई हो गई, अरेबिक राइस हो गए, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर इस रेस्टोरेंट पे अवेलेबल हैं। आप लोग यहाँ आएँ, आके यहाँ पर आप लोग विज़िट करें, आप लोग इंशाल्लाह जो है ना वो डिसअपॉइंट नहीं होंगे। बहुत ही अच्छा रेस्टोरेंट है। मैं यहाँ पर सेकंड टाइम आया था, पहले एक दोस्त के साथ आया था, फिर और आप खिजर और बख्तियार के साथ आया हूँ। तो 10-15 मिनट की डिस्कशन के बाद हम लोगों ने ये डिसाइड किया कि हम लोग एक फ़िश मंदी, चिकन मंदी और बीफ मंदी हम लोगों ने ऑर्डर की। ठीक है, 10 से 15 मिनट के बाद जो है हमारा ऑर्डर आ गया, और फिर खिजर और बख्तियार ने स्नैप्स वगैरह ली बहुत ज़्यादा। उसके बाद उन्होंने कहा कि चले बिलाल भाई अब आप जो है तो व्लॉग नहीं कंटिन्यू कर सकते हैं। फिर मैंने थोड़ा सा रेस्टोरेंट वगैरह दिखाया, और उसके बाद जो है मैं आपको कोल्ड ड्रिंक्स बताना भूल गया, 3 कोल्ड ड्रिंक्स भी हम लोगों ने ऑर्डर की थी। और उसके बाद हम लोग को भूख इतनी लगी हुई थी कि हम लोगों ने सिर्फ खाने पर फोकस किया और कहीं पर भी फोकस नहीं किया। इनका स्टाफ बहुत अच्छा था, मैं जो है ना वो उनकी वीडियोज़ बनाना भूल गया, और बताने का स्टाफ बहुत बेस्ट था।